हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ। सबसे पहला, जो बच्चे बीएससी थर्ड ईयर में चले गए हैं उनका एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, सर हम कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लें, क्योंकि आपको तीन सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना है और दो ही लेके आगे बढ़ना है। तो आप दो चीज़ों में आपको बताऊंगा जिसको आपको बहुत फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करिएगा, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे थर्ड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में चले गए या फिफ्थ सेमेस्टर में गए हैं, उनको अभी सिलेक्ट करना है अपना दो कॉम्बिनेशन और दो सब्जेक्ट जिसको लेकर उनको फ्यूचर में आगे पढ़ाई करनी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ने या किसी सब्जेक्ट को पकड़ने से पहले आपको दो चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना है। उन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तभी आप आगे बढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है, हम लाइफ में डिसीजन लेते हैं, डिसीजन गलत हो जाते हैं जिसका बहुत लंबा परिणाम हमें आगे भुगतना पड़ता है, और कभी कभी हम गलत डिसीजन भी लेने के बाद कभी कभी बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। दोनों हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट आज मैं आपको अपने को जो मुझे सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल में समझाऊं और आप उसको समझ के अपने हिसाब से डिसाइड करिए कौन सा कॉम्बिनेशन आपको लेना है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन लेने से पहले आप ध्यान में रखिए कि आपको दो बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले, ठीक है। कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, आप कॉम्बिनेशन लेने के लिए आप दो चीजों पे फोकस करिए। देखिए सबसे पहले कि आपका कॉम्बिनेशन किस बेसिस पे होना चाहिए, जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो किन चीजों पे बेस्ड होना चाहिए। तो आपका जो कॉम्बिनेशन है दो चीज पे, एक तो फ्यूचर गोल, ठीक है, एक आपका क्या था, फ्यूचर गोल क्या है, आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो। सबसे पहला जो फोकस करोगे आपका फ्यूचर गोल क्या है, ठीक है ना, फ्यूचर गोल डिसाइड करेगा। और दूसरा आपका इंटरेस्ट है ना, सबसे पहले क्या है आपका इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट दूसरा होगा, और पहला जो है आपका वो फ्यूचर गोल है। अगर आपका फ्यूचर गोल डिसाइड है तो उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट लोगे, और दूसरा आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है इस चीज पे भी बेसिस होगा कॉम्बिनेशन का। तो पहले इंटरेस्ट पे मत चले जाना, पहले जाना कि फ्यूचर में आपका गोल क्या है, फिर आपको दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है। कभी कभी क्या होता है, हमें इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है बट उसका फ्यूचर नहीं अच्छा होता है, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट ले तो लेते हैं बट आगे बड़ा पछतावा होता है, यार इसमें तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, लिमिटेड स्कोप है। तो आप जब जाओगे तो इन दोनों चीज़ों को फोकस करिएगा। उसके बाद फ्यूचर गोल में जाने के बाद आपके पास दो बातें और समझ में आएंगी, एक आप परसेंटेज के पीछे भागोगे है ना, परसेंटेज अच्छा बन जाएगा। दूसरा भागोगे आपका जो भी टारगेट होगा, आपका टारगेट लाइफ में क्या है, टारगेट गोल क्या है, उसके पीछे भागोगे। तो आपको टारगेट और अगर आपको परसेंटेज में डिसाइड करना हो तो हमेशा प्रायोरिटी किसको देना, टारगेट को हमेशा। आपका जो टारगेट होगा लाइफ का, जो कैरियर का टारगेट है, कैरियर में क्या बनना है वो आपके सामने होगा, और वो क्या है आपका फ्यूचर गोल का पार्ट है टारगेट। इंटरेस्ट सब्जेक्ट में क्या होता है, नंबर आते हैं, मजा आता है, इंटरेस्ट बहुत आता है, सरल है पढ़ने में, उस पर ले लेते हैं, इसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। अब आपको इन चीजों को फोकस रखना है, परसेंटेज या टारगेट। अब सब्जेक्ट का मैं डिसीजन करने जा रहा हूँ, सब्जेक्ट को कैटेगराइज करने जा रहा हूँ, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो हमारे पास दो टाइप के स्टूडेंट हैं, दो टाइप के स्टूडेंट कहने का मतलब दो कॉम्बिनेशन वाले, ठीक है। आप में से कुछ लोग पीएमसी ग्रुप के होंगे और कुछ स्टूडेंट बीजेडसी ग्रुप के होंगे। तो जिस भी ग्रुप के हैं, चलिए सभी लोग अब ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा चीज बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। सबसे पहले जो स्टूडेंट पीएमसी ग्रुप के हैं, ठीक है ना, पीएमसी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और दूसरा आप हैं बीजेडसी ग्रुप के, बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री। पीएमसी ग्रुप वाले का अलग कहानी है, बीजेडसी का अलग कहानी है। अब आपके पास तीन सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, एक आपको फिजिक्स है, फिजिक्स, दूसरा है आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है, और तीसरा आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है। इसमें से एक आपको छोड़ना है। मुझे पता है बहुत बच्चों को तीनों पसंद होगा और बड़ा ही धर्म संकट आ जाता है, सर कौन सा छोड़े, मुझे तो पसंद तीनों हैं। और इधर जो आते हैं इनको बॉटनी, दूसरा आपका होता है जूलॉजी, और थर्ड जो कॉम्बिनेशन है इसमें वो आपका केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री देखो दोनों में कॉमन है, ठीक है, केमिस्ट्री आपका दोनों में कॉमन होता है। अब हम कैसे चूज करें, हमें किसको लेना है किसको नहीं लेना है, एक को छोड़ना है आपको, एक को किसी एक को छोड़ना है। तो सबसे पहले हम पीएमसी के स्टूडेंट को बताएंगे कि पीएमसी के स्टूडेंट क्या लेंगे, ठीक है ना। जो भी पीएमसी के स्टूडेंट है उनके बारे में जरा फोकस करिएगा कि अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है दो साल तक, तो आपको अब क्या करना है। आपके पास इंटरेस्ट देखिए क्या हो सकता है, किसी को फिजिक्स में बड़ा तगड़ा इंटरेस्ट होगा, है ना, फिजिक्स हो सकता है आपका इंटरेस्ट का पार्ट क्या हो, फिजिक्स हो।
किसी को मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट होगा, मैथमेटिक्स में भी जा सकते हैं आप, है ना, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होगा। कुछ बच्चे को केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट होगा, कुछ बच्चों को केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट होगा। तो आपके पास देखिए सबके पास कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, इन कॉम्बिनेशन में हम प्रेफरेंस लगाएंगे, उन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करिएगा। ये मैथमेटिक्स में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, सही कर लेते हैं। ये आपका हो गया मैथमेटिक्स, ठीक है। अब देखो जरा कॉम्बिनेशन यहां पे क्या हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, पहला कॉम्बिनेशन फिजिक्स के साथ पीएम हो सकता है, फिजिक्स मैथ, दूसरा आपके साथ क्या हो सकता है, पीसी हो सकता है, यहां पे आपका केमिस्ट्री और मैथ हो सकता है, दूसरा आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स हो सकता है। मैथ अगर आप लेते हो, जिसका मैथ में इंटरेस्ट है, उसका आपका मैथ और केमिस्ट्री हो सकता है, दूसरा आपका मैथ और फिजिक्स हो सकता है, ठीक है। अब इन सब में देखो कॉम्बिनेशन सबके अलग अलग है, बट एक बात मैथमेटिक्स स्टूडेंट को मैं बता दूं, आपका इंटरेस्ट अगर मैथमेटिक्स है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इनमें से किसी को लेना उसके साथ मैथ जरूर रखना। अगर आप मैथमेटिक्स लिए हुए हो तो आपको मैथ नहीं छोड़ना है, समझ के बात को, आप ये कॉम्बिनेशन मत लीजिएगा, कॉम्बिनेशन में आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा। इसमें भी बेहतर करने के लिए इसकी जरूरत है, इसमें भी बेहतर करने के लिए आपको इसकी जरूरत है। तो आप कॉम्बिनेशन में या तो एमसी ले सकते हैं, या तो पीसी ले सकते, सॉरी पीसी पीएम ले सकते हैं, ठीक है ना, फिजिक्स मैथ या तो आप केमिस्ट्री मैथ। आप जब सेलेक्ट करिएगा तो आप प्रायोरिटी यही रखिएगा जो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले इन तीनों सब्जेक्ट में ध्यान रखिएगा किससे आपको आगे जाना है। फ्यूचर में दो सब्जेक्ट है, एमएससी में जाइएगा एक ही हो जाएगा, अब जब एक हो जाएगा तो वहां भी आपको एक छोड़ना पड़ेगा। तो आप अगर टारगेट कर रहे हो तो आपका टारगेट हो सकता है कि आपका फ्यूचर मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिक्स अगर फ्यूचर बनाना चाहते हो, ठीक है ना, अगर फ्यूचर का पार्ट आपका मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के साथ क्या रखिएगा, फिजिक्स रखिएगा। मैं जो पहले लिखा हूं वो आपका फ्यूचर है, ठीक है ना, अगर आप उसको लेके आगे बढ़ने वाले हो तो मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आपका मैथमेटिक्स है तो फ्यूचर में अगर आपने मैथमेटिक्स से आगे जाने गए आगे जाना तो मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स कॉम्बिनेशन लेकर चलना। अगर आप फिजिक्स लेकर चलते हो, ठीक है ना, अगर आप चाहते हो हमें सर फिजिक्स से करना है, ठीक, तो फिजिक्स से अगर आपको करना है तो फिजिक्स के साथ भी मैथमेटिक्स ही रखना है, इसके साथ भी क्या रखना है, मैथमेटिक्स रखना है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स। और अगर आपका फ्यूचर गोल चाहते हो कि मेरा ये नहीं रहे सर केमिस्ट्री रखना है, तो केमिस्ट्री के साथ भी आपको मैथमेटिक्स ही रखना है। जो तीसरा कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है वो थर्ड कॉम्बिनेशन, वो भी क्या है, केमिस्ट्री, अगर आपका फ्यूचर है कि केमिस्ट्री मुझे फ्यूचर बनाना है तो केमिस्ट्री के साथ आप मैथमेटिक्स ही रखिएगा, ठीक है ना, मैथमेटिक्स। बहुत ही मतलब एकदम अजीब सा केस जब हो जाएगा तब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन रखिएगा। मैथ स्टूडेंट होके आपका चौथा जो कॉम्बिनेशन होगा, फोर्थ कॉम्बिनेशन, वो आपका क्या है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। तो अगर आप यहां जाओगे तो इसको सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देना, ठीक है, इसको सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देना। एज अ केमिस्ट, मैं एज अ केमिस्ट्री, क्योंकि मैं तो केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो मैं हमेशा केमिस्ट्री सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन, अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा भी केमिस्ट्री में है तो इसको लीजिएगा, अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा भी केमिस्ट्री में है तो आप इस कॉम्बिनेशन को सबसे पहले टॉप पे रखिएगा, दूसरा कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स फिजिक्स रखिएगा, मैथ्स और फिजिक्स, और तीसरा कॉम्बिनेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री रखिएगा। मतलब सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, द फर्स्ट टॉप पे किसको रखना है, इसको रखना है फर्स्ट पोजिशन पे, इसको रखना है सेकेंड पोजिशन पे, और इसको रखना है थर्ड पोजीशन पे। उसका वजह यह है, आपने अभी अभी देखा मैंने केमिस्ट्री को इसलिए भाव दिया क्योंकि मैथमेटिक्स वालों को भी केमिस्ट्री पढ़नी है और बायो वालों को भी केमिस्ट्री पढ़नी है, तो केमिस्ट्री का जो स्कोप है वह काफी ब्रॉडर हो जाता है। और केमिस्ट्री में आप देख भी सकते हो कि जहां भी फैकल्टी देखोगे तो फैकल्टी की संख्या केमिस्ट्री में ज्यादा होती है क्योंकि केमिस्ट्री में स्टूडेंट ज्यादा होते हैं। केमिस्ट्री में ओब्वियसली देखोगे तो आपका फ्यूचर बहुत बड़ा है। तो अगर आप मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो, आपको मैथ पसंद है, तो मैथ के साथ कोशिश करिएगा सबसे पहले केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन रखने का। कुछ बच्चों को फिजिक्स पसंद होगा, फिजिक्स भी रख सकते हैं, तो उसको अगर जब से सबको मैथमेटिक्स एकदम नहीं पसंद हो वो लास्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री रख सकता है, उसका लास्ट का चॉइस रहेगा। बट फ्यूचर अगर आपको डिसाइड करना है तो इन दोनों में से कोई एक लीजिएगा, मैथ केमिस्ट्री या मैथ फिजिक्स, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अब आगे किससे कैरियर बनाना है, अगर केमिस्ट्री से बनाओगे तब भी मैथमेटिक्स हेल्प करेगा, फिजिक्स से बनेगा तब भी मैथमेटिक्स हेल्प करेगा, मैथ से बनेगा तो आपके साथ है,
तो आपको मैथ दोनों में हेल्प करेगा। सो मैथमेटिक्स वाले बच्चे यही कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, ये आपके लिए सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन है। बाकी देखिए डिसीजन फाइनल आपका होगा, आप अपने घर वालों से पूछ सकते हैं आपका इनर जो अच्छी इच्छा है वो क्या है, दूसरा फ्यूचर स्कोप क्या है। सबसे पहले जब डिसाइड करना ना तो फ्यूचर क्या है ये मत देखना आपको आता कितना है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जब करना ही पड़ेगा तो आएगा, करने ही जाओगे तो आएगा। फ्यूचर स्कोप क्या है पहला, दूसरा इंटरेस्ट कैसा है, और तीसरा घर वाले क्या सजेस्ट करते हैं। घर वाले लास्ट में, उसका कोई मतलब नहीं है, आपके दोस्त यार, ये मत देखना कि दोस्त ये है। अब मैं बताऊँ कुछ बच्चे ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ये सरल है ले लेते हैं, परसेंटेज बन जाएगा गोल्ड मेडल, क्या करोगे गोल्ड मेडल का, धूल भी उसको साफ करके कोई देखने नहीं आएगा गोल्ड मेडल में आपको क्या मिला था। अगर आपका नॉलेज अच्छा नहीं हुआ, आपने एग्जामिनेशन क्रैक नहीं किए ना, तो गोल्ड मेडल परसेंटेज लेके डिग्रियां लेके ना दिखाना कोई वैल्यू नहीं करेगा, कोई वैल्यू नहीं करेगा, सीधी सी बात बता दे रहा हूँ। वैल्यू सिर्फ उसकी होगी जो एग्जामिनेशन ब्रेक क्रैक करेगा, जो कंप्लीट एग्जाम को क्रैक करके निकाल देगा, जिसको सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा होगा, जिसके जुबान पे जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगा। रट के परसेंटेज ला के अगर आप चाहते हो कि हम गोल्ड मेडलिस्ट हो गए सबको भाव देंगे, कोई नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट को कोई भाव नहीं देगा बाद में, ये समझ लेना। आपका सिर्फ गोल्ड मेडल देखने का काम आएगा, उसका कोई यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। सो सब्जेक्ट डिसाइड करना फ्यूचर स्कोप के बेसिस पे, ना कि हमें अच्छा मार्क मिल जाएगा इस बेसिस पे। बाकी करना तो आप ही को, आखिरी डिसीजन आप ही का होगा। तो ये था पीएमसी ग्रुप वालों का। नाउ चलो अब बीजेडसी ग्रुप वालों को बात करते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूज पर्सन यही है, है ना, जिनका बॉटनी जियोलॉजी केमिस्ट्री है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज पर्सन यही है। अब देखो यहाँ पे भी तीन सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे आपको क्या है बॉटनी, चलो एक कुछ बच्चों बॉटनी पसंद होगा, कुछ बच्चों को जूलॉजी पसंद होगा, और कुछ बच्चों को केमिस्ट्री पसंद होगा, है ना, कुछ बच्चों को केमिस्ट्री भी पसंद होगा। अब मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन के तीन सेट यहाँ भी बनते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के तीन सेट यहाँ भी बनते हैं। अब इन तीनों सेट को देखिए, अगर आपने बॉटनी, आपको बहुत पसंद है बॉटनी, बहुत पसंद है, तो बॉटनी के साथ आपको क्या मिलेगा, बॉटनी प्लस केमिस्ट्री या बॉटनी प्लस जूलॉजी, है ना, बॉटनी प्लस जूलॉजी। जूलॉजी अगर आपको पसंद है तो यहाँ पे आपको मिलेगा जूलॉजी प्लस केमिस्ट्री, फिर जूलॉजी प्लस बॉटनी, है ना, और लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा केमिस्ट्री प्लस बॉटनी, और दूसरा आपका मिलेगा केमिस्ट्री प्लस जूलॉजी, है ना, ये आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा जो केमिस्ट्री के साथ। अब देखो इसमें जो मैंने बनाया है ये मेरे पहले, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, जिसको मैं पहले रखा हूँ उसका मतलब आपके फर्स्ट प्रायोरिटी वो सब्जेक्ट है, जिसको भी मैं पहले रखा हूँ उसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपकी पहली प्रायोरिटी उसी सब्जेक्ट पे है, ठीक है ना। तो अगर आपका बॉटनी पहला प्रायोरिटी है तो आपके पास दो संभावनाएं हैं, आप बॉटनी केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी ले सकते हो। अगर आपका जूलॉजी पहला है तो आप जूलॉजी केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी भी ले सकते हो। अगर आपका केमिस्ट्री पहला है तो आप केमिस्ट्री बॉटनी या केमिस्ट्री जूलॉजी भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, इसमें दो कॉम्बिनेशन में से ध्यान रखिएगा आपको मेजर कॉम्बिनेशन क्या चूज करना है। अब इन तीनों में आपको फिर से वही डिसाइड करना है बच्चों, आपका फ्यूचर क्या है, आप फ्यूचर में क्या देखते हो, आप किस लेवल का आपका कंपटीशन है, किस लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे हम जा सकते हैं, हमें जॉब की संभावनाएं क्या हैं, और हम अपने नॉलेज को कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में बेहतर वर्क हो रहे हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस किस सब्जेक्ट का बेहतरीन है, सबसे पहले ये देखना, उसके बाद पहला सब्जेक्ट चूज करना, ठीक है ना। हम आपको बता रहे हैं यहाँ से, तो पहला कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, इसमें जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले अगर आपको यहाँ लेना होगा तो हमेशा बॉटनी लेना, अगर बॉटनी लेना तो इसके साथ साथ जूलॉजी लेना, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में जाना चाह रहे हो आगे फ्यूचर में कि हमें लाइफ सर बायो बनाना है, बॉटनी बनाना है, केमिस्ट्री में नहीं बनाना है, बॉटनी बनाना है, तो बॉटनी के साथ जूलॉजी लेना। उसका वजह बता देता हूँ, उसका वजह सिर्फ ये है, जैसे ही आप मास्टर में जाओगे आपको नेट जेरफ देना पड़ेगा, और नेट जेरफ लाइफ साइंस करके आता है, ठीक है, और लाइफ साइंस में बॉटनी जूलॉजी जितने भी बायो के सब्जेक्ट हैं सब आते हैं, केमिस्ट्री उसमें नहीं आता है। तो आप अगर बॉटनी और केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन रख लोगे ना तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका जूलॉजी छूट जाएगा, और फिर लाइफ साइंस में आपको नेट जेरफ निकालने के लिए जूलॉजी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। तो आप जब बॉटनी रखोगे तो आप उसके साथ जूलॉजी रखना, सेम चीज़ यहाँ भी, अगर आपको जूलॉजी बहुत पसंद है तो जूलॉजी के साथ आप क्या रखोगे, बॉटनी रखोगे, जूलॉजी के साथ क्या रखोगे, बॉटनी रखोगे। ये एकदम दिमाग में सेट कर लो, आपको यही कॉम्बिनेशन रखना है, नहीं तो आगे आप झेल जाओगे, ठीक है ना। और अगर आपने चाहा कि नहीं सर मुझे तो
केमिस्ट्री में फ्यूचर बनाना है, मेरा अगला जो मास्टर जाऊंगा वो केमिस्ट्री में जाऊंगा, तो केमिस्ट्री के साथ बॉटनी रखना, ठीक है, केमिस्ट्री के साथ बॉटनी रखना, फिर केमिस्ट्री के साथ आपको जूलॉजी रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री से फ्यूचर बना रहे हो तो केमिस्ट्री के साथ बॉटनी रखना, यहाँ पे यही कॉम्बिनेशन बेस्ट है, इसमें केमिस्ट्री लेने की आपको जरूरत नहीं है। जूलॉजी ले रहे हो तो फिर जूलॉजी के साथ बॉटनी ही लो, क्योंकि जूलॉजी में आप फ्यूचर बनाने वाले हो, ठीक है ना। और तीसरा जब आओगे केमिस्ट्री की बात करने, तो केमिस्ट्री के साथ सिर्फ बॉटनी का कॉम्बिनेशन रखना, जूलॉजी का कॉम्बिनेशन मत रखना, क्योंकि जूलॉजी अगर केमिस्ट्री ले लिए तो आपका आगे फ्यूचर खराब होगा, केमिस्ट्री आपको कोई हेल्प करने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो जूलॉजी लिए हो तो बॉटनी कंपलसरी है, बॉटनी से फ्यूचर ले रहे हो तो जूलॉजी कंपलसरी है। ये सब्जेक्ट में क्या बता रहा हूँ, फ्यूचर किस में है, दो सब्जेक्ट में एक आपको अगले साल भी छोड़ना है। आप जब मास्टर में जाओगे एक सब्जेक्ट छोड़ोगे, मास्टर तो एक ही से करोगे ना, तो किससे मास्टर करने वाला वो डिसाइड करने के लिए कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं। अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है तो केमिस्ट्री के साथ हमेशा बॉटनी लेके चलना, केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी लेके मत चलना, ठीक है ना। अगर आपको केमिस्ट्री बहुत पसंद है या केमिस्ट्री में आप चाहते हो हमारा फ्यूचर बने, तो केमिस्ट्री के साथ बॉटनी रखिएगा, केमिस्ट्री के साथ बॉटनी रखिएगा, ये कॉम्बिनेशन आपका सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा। अगर आपका फ्यूचर केमिस्ट्री है तो, फ्यूचर अगर आपका केमिस्ट्री है देन यू हैव टू चूज केमिस्ट्री प्लस बॉटनी, अगर फ्यूचर जूलॉजी है तो जूलॉजी के साथ बॉटनी रखना, अगर आपका फ्यूचर बॉटनी है तो बॉटनी के साथ भी जूलॉजी ही रखना, बायो में से दोनों में से जिसमें कैरियर बनाना तो दोनों बायो रखना, ठीक है ना। अगर केमिस्ट्री से बनाना तो जूलॉजी स्किप कर देना, बॉटनी ले लेना, ठीक है। तो मैंने आपके पूरा समराइज कर दिया, अब मैं फिर से लास्ट में पूरा समराइज करता हूँ। पीएमसी के बच्चों फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है। पीएमसी वाले क्या करेंगे, एक साइड पीएमसी लिखता हूँ, दूसरे साइड बीजेडसी। तो जो पीएमसी के बच्चे हैं, ठीक है, बीएचयू में आओगे तो पीएमसी का एक फुल फॉर्म पाओगे, जो लोग बीएचयू में एडमिशन कर होगा जिनका लोग आओगे तो पता चलेगा पीएमसी एक बड़ा ही फेमस जगह है बीएचयू में। जिसको पता होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, जिसको नहीं पता होगा जब बीएचयू में आओगे जान जाओगे पीएमसी का फुल फॉर्म क्या है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो ये मतलब एक अलग है, बट एक और नाम है यहाँ पे बीएचयू, इसीलिए तो फेमस है। और दूसरा है आपका बीजेडसी, बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री वाले बच्चों। देखो बच्चों आपको इसमें क्या करना है, दोनों लोग अच्छे से सीख लो और उसके बाद डिसाइड करना कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। फ्यूचर में आपको क्या करना है, दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन सिलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन आइए कर देते हैं, समराइज कर रहा हूँ यहाँ पे, दोनों लोग देख लो, अच्छे से देख लो और इसी को अप्लाई करके अपना फ्यूचर आगे बना लेना जो आपको उचित लगे, ठीक है। द फर्स्ट थिंग, अगर आप फ्यूचर में मैथमेटिक्स लेके जा रहे हो, आपका मेन गोल मैथमेटिक्स है, आपको मैथ में अच्छा टीचर बनना है, अच्छा रिसर्चर बनना है, तो मैथमेटिक्स अगर आपका मेन है तो इसके साथ जो आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट होगा वो फिजिक्स होगा, क्लियर है। सब्सिडरी सब्जेक्ट क्या होगा, फिजिक्स, ये साइड सब्जेक्ट, मेन आपका क्या है, मैथ्स है। अगर आपका मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो इसके साथ में मैथ ही रहेगा, ठीक है। अगर आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री है, तो इसके साथ भी आपका क्या होगा, मैथ ही रहेगा, इसके साथ भी आप मैथमेटिक्स ही लोगे। और अगर आपका फिजिक्स है तब भी आप मैथमेटिक्स ही लोगे, ठीक है ना। तो ये वाइस वर्सा, इसके लिए वाइस वर्सा, इसके लिए सिर्फ ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। किससे मेन सब्जेक्ट गोल क्या बनाने जा रहे हो, क्लियर है। ये हो गया मैथमेटिक्स के लिए। बीजेडसी वालों, अगर आपका मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, ठीक है, मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो ध्यान रखना, केमिस्ट्री अगर आपका मेन सब्जेक्ट है जिसको लेके आप मास्टर करने वाले हो तो इसके साथ बॉटनी रखना, सब्सिडरी सब्जेक्ट क्या होगा, बॉटनी रहेगा, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और अगर आपका मेन सब्जेक्ट बॉटनी या जूलॉजी होता है, ठीक है, बॉटनी, तो इसके साथ हमेशा जूलॉजी रखना, ठीक है ना। अगर आपका बॉटनी या जूलॉजी दोनों में से कोई आपका मेन हो गया तो आपको एक ही रखना है, ठीक है ना, इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन चूज ही नहीं करना है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बदलना। जब आप केमिस्ट्री लेना तभी आप बॉटनी सेलेक्ट करना, जूलॉजी सेलेक्ट मत करना, बट अगर आप बॉटनी ले रहे हो तब भी जूलॉजी लेना, जूलॉजी से आगे जाओगे तब भी बॉटनी ही लेना, किससे मास्टर्स करोगे वो डिसाइड कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट सब्जेक्ट सिलेक्शन यू हैव टू चूज ड्यूरिंग योर मास्टर, क्योंकि फ्यूचर, फ्यूचर सबसे बेहतरीन आपका डिसाइड होगा जो जिससे आप मास्टर करने जा रहे हो। फिर मैं बोल रहा हूँ, परसेंटेज के पीछे नहीं भागना है। कभी सब्जेक्ट टफ लगता होगा
बट कोई जिंदगी में कोई चीज सरल है ही नहीं। धरती पर अगर आप पैदा हुए वो भी बहुत डिफिकल्टी से पैदा हुए हो, आसानी से नहीं, डिफिकल्टी किसी और को हुआ था बट हुआ था। सो आपको ये लग रहा होगा कि कोई चीज सरल है, आसान है, कुछ भी आसान है, हर चीज डिफिकल्ट है, तब तक जब तक हम अपना जी जान नहीं लगा देते उसको अचीव करने के लिए, गेन करने के लिए, क्रैक करने के लिए। तो अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको पता है कि आप मेहनत कर सकते हो, तो कोई भी चीज टफ नहीं होता है। एक बार घुस जाओ फिर वो अपने आप आपको आएगा, बट ये है आपको जी जान से लगना पड़ेगा। कभी कभी लिए गए डिसीजन हमें टफ लगते हैं बट उसके रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल होते हैं। तो रिजल्ट जब फ्रूटफुल आएंगे ना, तो आपको लगेगा हमारे एक गलत डिसीजन भी हमको बेहतर बना दिया। तो हर गलत डिसीजन आपका गलत नहीं होता, बेहतर हो जाता है। परसेंटेज के पीछे नहीं भागना है, किस सब्जेक्ट का फ्यूचर स्कोप कितना है ये देख के आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। लाइफ में आपको क्या बनना है वो यहीं से डिसाइड हो जाएगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट पे। अब आखिरी में आपको क्या लेना है फ्यूचर में वो आप पढ़ाई करते करते आपको समझ में आ जाएगा। मैं अपने सब्जेक्ट का जो केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, मैं केमिस्ट्री का एक लेक्चर पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें बताऊंगा केमिस्ट्री का क्या स्कोप है, तब आपको समझ में आएगा कि इनको भी केमिस्ट्री मैक्सिमम को लेना चाहिए और इनको भी क्या केमिस्ट्री मैक्सिमम को लेना चाहिए। एज पर माई एडवाइस आप केमिस्ट्री अपने साथ रखो, केमिस्ट्री आपको जिंदगी में बहुत हेल्प करने वाला है। दिस इज माई पर्सनल सजेशन, दैट्स ऑल। सो ये आज आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। आप लोग सभी इसको देख अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूँ, केमिस्ट्री के सारे टॉपिक पढ़ाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, सो ताकि बाकी बच्चे जल्दी से कॉम्बिनेशन लेने से पहले डिसाइड कर लें उन्हें क्या करना है, ठीक है ना। गलत कॉम्बिनेशन ना लें, सोच समझ के लें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको वहाँ पर बता रहा हूँगा केमिस्ट्री और उसके फ्यूचर स्कोप्स। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, अब बेल आइकन को जरूर दबाइएगा क्योंकि अगला जो लेक्चर मैं अपलोड करूँगा तो आपको दिखाई देगा केमिस्ट्री एंड इट्स फ्यूचर स्कोप्स, ठीक है। थैंक यू।